बीजेपी साम दाम दंड भेद लगाकर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन हम जनता के समर्थन से चुनाव जीते हैं। इन्होंने बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की, इन्होंने बिल्कुल, और सुबह से जलेबियां बट रही है, और वहीं की जलेबी लाया जहां राहुल जी पहुंचे थे, माथुराम हलवाई की जलेबियां हैं, और पूरे AICC मुख्यालय में हमने बांटी है, और मोदी जी के घर भी डिब्बा भिजवाने की तैयारी में है। विनेश फोगाट की जीत तो तय, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, और इसकी हमें खुशी है कि एक बेटी जीत गई, और जीतना इसलिए जरूरी है कि ब्रिजभूषा की कश्मीर बहुत सुरक्षित हो चुका था। आप जाइए वहां पर, नारेबाजी कीजिए, वहां रैलियां कीजिए, वहां तो पूरी सिक्योरिटी आपको चाहिए। तो ये वहां के लोगों को बदनाम भी करते हैं और उनसे वोट की अपेक्षा भी रखते हैं। तो मुझे लगता है कि वहां की जनता ने तो नकार ही दिया और हरियाणा ने भी नकार दिया इनको। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ आप इंतजार कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है और कम मार्जिन है, हमें लगता है हम कवर कर लेंगे एक दो घंटे के अंदर अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरमपुर, मैं हूं प्रभात और इस वक्त मैं AICC में हूं, कांग्रेस के मुख्यालय पर, और यहां पर हमसे बात करने के लिए तन्नू हैं जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। इनसे बात करेंगे किस तरीके से अभी रुझानों में जिस दिखा रहा है कि BJP आगे चल रही है और बहुमत के आंकड़े से काफ़ी पार हो गई है, मतलब आगे निकल गई है, लेकिन वहीं कांग्रेस अभी 35-36 सीटों के आसपास रुझानों में दिखाया जा रहा है। अभी जीत में कोई सीटें नहीं आई किसी के खाते में, लेकिन रुझानों में ये दृश्य आपको दिख रहा है। बात करेंगे किस तरीके से BJP की जीत हो रही है या कांग्रेस की, क्या कोई बहुत बड़ा उलटफेर देखा जा सकता है या फिर क्या कुछ होगा। तनु, कैसे देखती हैं इस जो रुझान आ रहे हैं अभी उसको लेकर के? देखिए, एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स और जो चुनावी रुझान इस वक्त चल रहे हैं उन तीनों में अंतर है, और वो अंतर इसलिए क्योंकि कैसे पूरा करप्शन फैल चुका है, कैसे पूरे सिस्टम पर मोदी जी ने काबू पा लिया है, तो हम उस पर भरोसा नहीं करते। हम भरोसा करते हैं जनता पर, जनता ने वोट किया हरियाणा की और हमने ज़मीन पर काम किया है, इसलिए हमें पता है कि हरियाणा के अंदर कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस की और कौन जीत रहा है। आप इंतज़ार कीजिए, ये शुरुआती रुझान है, 12 बजे 2 बजे के बाद आप देखिएगा कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन जाएगी। राहुल जी आपको इसी AICC मुख्यालय में मिलेंगे, तमाम कांग्रेस के लीडर यहाँ पर मिलेंगे, और हमने तो सुबह सुबह शंखनाद कर दिया, ढोल नगाड़ों से स्वागत कर लिया है अपने कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, अपने कैंडिडेट्स का, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है पूरे बहुमत के साथ हम 70 पार सीटें लेकर आ रहे हैं, और 70 पार सीटें इसलिए आ रही हैं क्योंकि जब न्याय की बात राहुल जी ने की थी तब किसान न्याय की बात की थी, बेटियों के न्याय की बात की थी, उस न्याय की लड़ाई में हम आज जीत चुके हैं और पूरा हरियाणा खुश है। एक नया सवेरा हरियाणा के अंदर हुआ है जिसकी वजह से जनता खुश है, और मोदी जी पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में किया क्या किया। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हम 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया ये हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर आपको बताएंगे तो आप बेच देंगे जैसे आपने बाकी चीज़ें बेच दी हैं। देश बेचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे हैं और धीरे धीरे अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाकर आगे बढ़ने की जो कोशिश कर रहे हैं ये नाकाम कोशिश अब नाकाम हो चुकी है। और हरियाणा के अंदर तो मुझे लगता है विनेश फोगाट सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगी, क्योंकि विनेश फोगाट वो बेटी है जो देश विदेश में मेडल लेकर आती है और जिसके लिए पूरा देश इकट्ठा हो जाता है, जो जंतर मंतर पर जब पुलिस उसे घसीटती है, अमित शाह कुछ नहीं बोलते, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते, तब जनता उनके साथ खड़ी रहती है। हरियाणा से, पंजाब से किसान भाई बहन, जाट, गुजर सब आते हैं, 36 बिरादरी बेटी के समर्थन में आती है, तो वो 36 बिरादरी नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी है और हरियाणा से हटाने का काम करेगी। विनेश फोगाट अभी रुझानों में 7वें राउंड के 38 वोटों से आगे चल रही हैं, इसके पहले पीछे थी, क्या लग रहा है जुलाना से विनेश फोगाट की सीट पक्की है? जी, विनेश फोगाट की जीत तो तय, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, और इसकी हमें खुशी है कि एक बेटी जीत गई, और जीतना इसलिए जरूरी है कि बृजभूषण सरन सिंह जैसे गंदे नेता जब सत्ता की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, कंगना रावत जैसी नेता कुर्सी पर बैठ सकती है, स्मृति ईरानी जैसी नेता कुर्सी पर बैठ सकती है, तो विनेश फोगाट जैसी बेटी जो एक लेडी आइकन है, लेडियों के, लड़कियों के लिए एक जो आइकन है यूथ का, मुझे लगता है वो रिप्रेजेंट करती है, और वो जीतेंगी तो फिर इस देश में सारी महिलाओं में हिम्मत आ जाएगी कि वो जो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा पाएं, और बृजभूषण सरन सिंह जैसे बड़े नेताओं को भी नहीं छोड़ेंगी। और विनेश फोगाट ने जो हिम्मत दिखाई है, देखिए एक लड़की जब किसी पर कोई आरोप लगाती है तो वो गलत इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो उसकी रिस्पेक्ट की बात होती है, पूरे हरियाणा की रिस्पेक्ट की बात थी, और हरियाणा अपनी रिस्पेक्ट, अपना मान सम्मान रखेगा, और मुझे लगता है विनेश फोगाट जीत जाएंगी। वोट परसेंटेज में देखा जाए तो BJP का वोट परसेंटेज कांग्रेस से कम है, 40 से नीचे है थोड़ा सा, और कांग्रेस का 40 के आसपास है वोट परसेंटेज में आगे, लेकिन रुझानों में BJP को बहुमत से अधिक दिखाना किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं वही तो कह रही हूँ, एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स और जो चुनावी रुझान है इनका कुछ कह नहीं सकते, हर चैनल से अलग अलग दिखाते हैं, इलेक्शन कमीशन की जो अपडेट है हम उस पर भरोसा करते हैं, और मुझे लगता है कि समय दीजिए आप, समय ज़रूरी है क्योंकि शाम तक चुनावी नतीजे आने हैं और पूरा देश टकटकी लगाए बैठे हैं कि हरियाणा में क्या होने वाला है, क्योंकि बेटी की जो लड़ाई है, जो किसान की लड़ाई है, वो आज साबित हो जाएगा। और BJP वालों ने बूथ्स पर किस तरीके से चाकू चलाए हैं, सोनीपत के अंदर आपने देखा, पानीपत के अंदर आपने देखा, तो मुझे लगता है कि जो दो गुट भिड़ रहे हैं आपस में उसके पीछे BJP की साजिश है। ये बूथ कैप्चरिंग भी करना चाहते थे, लेकिन राहुल जी ने जब से आवाज़ उठाई है कहीं ना कहीं कम हुआ है, पर इस बार हमने पूरी कोशिश की है, पूरा अपनी निगरानी में चुनाव करवाया, और मुझे लगता है कि पूरी जो सरकार है हरियाणा के अंदर वो बहुमत के साथ बनेगी। हुड्डा जी का अड्डा है हरियाणा, और उस अड्डे में
सिर्फ हुड्डा जी की चलती है। लेकिन ये कहा जा रहा है, बीजेपी अभी से कह रही है कि 2048 तक बीजेपी की ही सरकार बनेगी, और बीजेपी का बयान इस पे आ रहा है कि बहुमत से हम आगे निकल गए हैं और अब आगे भी इसी तरीके से रिजल्ट रहने वाला है, और यहाँ तक कि एग्जिट पोल फेल हो रहे हैं जो आज तक और तमाम चैनलों के दिखाए जा रहे थे। देखिए 2048 का तो पता नहीं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी 10 साल में निकल लिए, क्योंकि उन्हें पता था 10 साल में जनता को लूटा, जनता को परेशान किया, अगर वोट मांगने गया तो क्या मिलेगा ये सबको पता है। बीजेपी के नेताओं को कैसे भगाया गया, तो एक सीएम चेहरे को ऐसे भगाएंगे तो फिर क्या ही चुनाव जीतेंगे। इसलिए इन्होंने सीएम चेहरा बदल दिया और नायब सिंह सैनी को बिठा दिया कि नया चेहरा है, जनता फिर मौका दे देगी। नए नए चेहरे लाते हैं और मौका मांगते हैं जनता से, लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि जो कैंडिडेट इनका, जो सीएम कैंडिडेट इनका जीतेगा वो भी अगर काम नहीं करता तो सोचिए नए चेहरे को कौन ही वोट देगा। और हुड्डा जी का तो की तो काफ़ी पकड़ है हरियाणा के अंदर, और उनका तो इतिहास रहा है हरियाणा के अंदर, गाँव में उनकी काफ़ी पकड़ है, वो लोगों के किसान के बेटे हैं, उस किसान के जिसको बॉर्डर पार नहीं करने देती है भारतीय जनता पार्टी, तो किसान का बेटा जीत रहा है, बेटी जीत रही है, न्याय की जो लड़ाई है वो हम जीत गए हैं। लेकिन क्या लगता है कैसे जीत रहे हैं, ये आपको कैसे लग रहा है कि हम जीत रहे हैं? देखिए वो ऐसे लग रहा है कि हमने कभी बीजेपी पर भरोसा नहीं किया, उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया, जैसे उनके वादे चुनावी जुमले होते हैं वैसे एग्जिट पोल्स, ये ओपिनियन पोल और ये जो चुनावी रुझान है, हम इस पर भी भरोसा नहीं करते। हम भरोसा करते हैं उन पर जिन्होंने वोट दिया, हम भरोसा करते हैं अपने कैंडिडेट्स पर, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर और अपने नेता की काबिलियत पर। और मुझे ये लगता है ये सब मिलकर इस बार हरियाणा में उलटफेर होने जा रहा है बड़ा, और विपक्ष जो है वो मजबूती के साथ वहाँ पर सरकार बनाने जा रहा है, और एक तरफा माहौल कांग्रेस पार्टी का है। दावे तो दोनों कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि लगभग बराबर दिख रही है, लेकिन 50-60 सीटों से आगे जो एग्जिट पोल में कांग्रेस को दिखाया जा रहा था वो क्या अभी भी पाया जा सकता है? क्योंकि वोटों का जो वो है, सीटों की का अंतर है या वोटों का अंतर है किसी भी कैंडिडेट के, वो बहुत 2000, 1000, 1500 ऐसे ही है, और राउंड 7 हो गए। लेकिन देखिए 36 बिरादरी ने जो है नरेंद्र मोदी को समर्थन नहीं दिया, जाट गुजर सब आज मोदी जी के खिलाफ हो चुके थे, तो जो एग्जिट पोल्स, जो ओपिनियन पोल्स और जो चुनावी रुझान दिखा रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने पहले कांग्रेस पार्टी को दिखाया था कि वो आगे चल रही है, लेकिन जैसे जैसे समय पास आता है ये चेंजेस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वालों के समर्थन में नहीं दिखाएंगे तो काम कैसे चलेगा। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ आप इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है और कम मार्जिन है, हमें लगता है हम कवर कर लेंगे 1-2 घंटे के अंदर अंदर और आगे निकल जाएंगे। और हरियाणा में तो सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी सरकार बने, 370 जो इन्होंने लागू किया था उसके अंदर जो चीज़ें लागू होनी थी वो नहीं हो पाई हैं। कश्मीरी पंडित आज भी कश्मीर के अंदर परेशान है, हम गए थे, हम राहुल जी की यात्रा में जब वहाँ गए तो हम कश्मीरी पंडितों से मिले, वो आज भी परेशान है, वो कहते हैं कांग्रेस ने उनको घर दिए, वो आज भी उन घरों में रह रहे हैं और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन भारत वहाँ पूरी सिक्योरिटी है। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी जिस कश्मीर की बात करती है कि जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब थे अब ठीक हो गए हैं, तो मैं पूछती हूँ क्या किया उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए? आप धर्म के नाम पर, आप एक विशेष समुदाय के नाम पर लोगों को भड़काते तो हैं, लेकिन आप ये बताइए आपने क्या किया सनातन धर्म के लिए, आपने क्या किया हिंदुओं के लिए? आप तो राम मंदिर की खुद की सीट हार गए, आप हरियाणा की क्या बात करेंगे? तो हरियाणा में तो वो है, कहते हैं छोरियां छोरों से कम हुए हैं, कि तो छोरियां जो हैं वो हरियाणा की जो हैं वो जब चुनावों में खड़ी होगी तो जाहिर सी बात है कि हार तय है बीजेपी। लेकिन जलेबियाँ जो बट रही थी अभी थोड़ी देर पहले, कांग्रेस के लोग जो जश्न मना रहे थे, वो जलेबियाँ दिख रही हैं क्या? आप दिखनी शुरू होंगी? जी जी बिल्कुल, और सुबह से जलेबियाँ बट रही हैं, और वहीं की जलेबी लाए हैं जहाँ राहुल जी पहुंचे थे, मातुराम हलवाई की जलेबियां हैं, और पूरे AICC मुख्यालय में हमने बांटी, और मोदी जी के घर भी डिब्बा भिजवाने की तैयारी में है। शाम तक जैसे चुनावी नतीजे घोषित हो जाएंगे हमारे नेता शंखनाद कर देंगे, हम मोदी जी के घर डिब्बा भिजवाएंगे। मोदी जी को भी मिठास चखनी चाहिए कि हरियाणा की मिठास क्या है, जो कड़वाहट उन्होंने हरियाणा के अंदर घोल दी थी वो कड़वाहट खत्म हो गई है, और चाशनी में डूबी वो जलेबियां मोदी जी को भी खानी चाहिए। उनको हालांकि नफरत है हरियाणा की जनता से, जलेबियों से, लेकिन मोदी जी को टेस्ट जरूर करनी चाहिए, मिठास का मजा ही कुछ और होता है, और मोदी जी की नफरत जो खत्म हो रही है, मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है हरियाणा। वोटिंग के दिन कई जगहों पे आया झड़प का माहौल और तमाम तरीके के हिंसा के माहौल, मारपीट का आरोप भी लगा, क्या देखते हैं कि इसी वजह से कम गैप रह जाएगा, या फिर देखते हैं अभी कि अभी आएगा काफी जो देखिए बीजेपी साम दाम दंड भेद लगाकर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन हम जनता के समर्थन से चुनाव जीते हैं। इन्होंने बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की इन्होंने, और ये पहला चुनाव नहीं, पिछले कई चुनावों से कर रहे हैं, और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बार बार अपील भी करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको नकार देता है। देखिए जो वोटों की गिनती होती है उस प्रोसीजर में भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं घपला हो सकता है। जैसे बूथ कैप्चरिंग वोटिंग जब डल रही थी तब भी बीजेपी के कैंडिडेट्स, बीजेपी के नेता वहां पर चारों तरफ से खड़े हो जाते हैं, घेर लेते हैं, पुलिस उनके कंट्रोल में, सब कुछ उनका, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं घपला हो सकता है और हुआ भी है, और शाम तक के जो रुझान है वही बता पाएंगे कि बीजेपी ने घपला किया है या फिर इस बार वो नाकाम कोशिश रही उनकी घपला करने की। और जो पूरी जो चुनाव में प्रणाली है, जो पूरा सिस्टम है, वो पूरे सिस्टमैटिक तरीके से जो है वोटिंग हुई, सिस्टमैटिक तरीके से गिनती हुई, वो बताएगी कि रिजल्ट्स क्या हैं, क्योंकि ज़मीन पर कांग्रेस का माहौल था और मुझे लगता है कि वोटिंग में भी कांग्रेस का माहौल था, एग्जिट पोल्स भी यही दिखा रहे थे, लेकिन अब
जो चुनावी नतीजे हैं उसको देखकर पता लगेगा कि बीजेपी ने कितना घपला किया है। ये जो कहा जा रहा था हुड्डा परिवारवाद, हुड्डा वर्सेस सैलजा जो उठा, जाट नॉन जाट, तो इसका क्या असर देखने को मिलेगा, या फिर ऐसे ही जो चुनाव दिख रहे हैं रिजल्ट, ये इसका असर देखने को मिला जाट वर्सेज नॉन जाट जो हुआ? देखिए, क्या जाट वर्सेज नॉन जाट कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि कुमारी शैलजा जी को बीजेपी ने ऑफर किया था कि आइए हमारी पार्टी में, तो कुमारी शैलजा जी ने कहा था मेरी रगों में कांग्रेस का खून है, तो जिसकी रगों में कांग्रेस का खून है वो कांग्रेस के खिलाफ भी नहीं चल सकती, और उन्होंने समर्थन दिया। आप देखिए, रैली जब हुई थी राहुल जी के साथ खड़ी थी शैलजा जी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर शैलजा जी मुख्यमंत्री बने या फिर हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने तो काम होंगे, वादे पूरे होना, जनता के वादे ज़्यादा जरूरी है शैलजा जी के लिए भी और हुड्डा जी के लिए भी, इसलिए पूरे समर्थन से लोगों के और आलाकमान के निर्देश अनुसार तय होगा कि कौन सीएम चेहरा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हुड्डा जी को ही सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ है और हुड्डा जी की काफ़ी पकड़ भी हरियाणा के अंदर है सभी क्षेत्रों में, शैलजा जी की भी काफ़ी पकड़ है लेकिन कुछ क्षेत्रों में है, और मुझे लगता है पूरा हरियाणा हुड्डा जी के अंडर आता है तो उनके नेतृत्व। कश्मीर का जो रिजल्ट दिख रहा है उसको लेकर के क्या कहेंगे, कश्मीर में बीजेपी पूरी तरह से हार गई? जी बिल्कुल, कश्मीर में तो हारना ही था, बीजेपी का हारना अब शुरू हो चुका है जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुए, जनता समझने लगे धीरे धीरे, और कश्मीर के अंदर जिस तरीके से इन्होंने वादे जो जनता से करके आए थे, झूठे वादे, नफरत का माहौल इन्होंने वहाँ बनाने की कोशिश की थी। मोदी जी खुद जाइए ना कश्मीर, आप क्यों नहीं जाते, आप कहते हैं कि कश्मीर बहुत सुरक्षित हो चुका था, आप जाइए वहाँ पर नारेबाजी कीजिए, वहाँ रैलियाँ कीजिए, वहाँ तो पूरी सिक्योरिटी आपको चाहिए, तो ये वहाँ के लोगों को बदनाम भी करते हैं और उनसे वोट की अपेक्षा भी रखते हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ की जनता ने तो नकार ही दिया और हरियाणा ने भी नकार दिया इनको। एक और फैक्टर जो आम आदमी पार्टी का था कि आम आदमी पार्टी सारे सीटों पर अपनी कैंडिडेट खड़ी करती है, तो उसका क्या असर देखने को मिला है इस पे? बिल्कुल असर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को ये बात पता थी कि आम आदमी पार्टी को कोई वोट नहीं देगा और अगर अलायंस में चुनाव लड़े तो कांग्रेस के नाम पर वोट मिलेंगे। अब इन्होंने अलायंस किया नहीं तो हम इनसे दिल्ली में भी अलायंस करेंगे नहीं, तो अब हम निष्पक्ष चुनाव लड़ेंगे, जहाँ जहाँ इनकी मर्जी के हिसाब से हम अलायंस नहीं कर सकते, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और सारे विपक्ष के नेता तय करेंगे, लेकिन विपक्ष के नेता के बातों के खिलाफ, अपने वादों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी गए हैं, तो मुझे लगता है कि हम अलायंस नहीं करेंगे। वोट तो कटे हैं ना, कई पार्टियों ने काटे हैं, बिल्कुल नहीं कटे। आप देखिएगा केजरीवाल जी की कितनी सीट आएंगे, एक से दो सीट आने वाली है आम आदमी पार्टी की, मुश्किल से वोट तो गई है। वोट का इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि देखिए माहौल जब होता है ना तो मैक्सिमम वोट्स आपकी तरफ होते हैं, और मुझे लगता है जो चंद वोट आम आदमी पार्टी की तरफ गए उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप ये कह रहे हैं मतलब फाइनली कि कांग्रेस ही जीतेगी? हाँ, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, 75 सीटें, शाम तक का इंतजार कीजिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।